हेलो गाइस, टेक टेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन में जो है जो भी स्पैम मैसेजेस स्पैम कन्वर्जेशन रहते हैं, तो अगर आप उसको जो है रिपोर्ट और फिर ब्लॉक करना चाह रहे हैं तो उसको कैसे रिपोर्ट या फिर ब्लॉक करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपके पास जो है गूगल मैसेजिंग ऐप रहना चाहिए। गूगल मैसेजिंग ऐप में जो है न्यू अपडेट न्यू फीचर रोल आउट हो रहा है। तो वैसे तो आप हर फोन में गूगल मैसेजिंग ऐप बाय डिफॉल्ट पहले से ही प्री इंस्टॉल आ रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास पहले से ही प्री इंस्टॉल गूगल मैसेजिंग ऐप ही है, ठीक है। तो ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आपको जो है जो भी मैसेज को जो है एज ए स्पैम रिपोर्ट करना है, उसको ब्लॉक करना है, वो कन्वर्जेशन पे जो है थोड़ी देर टैप एंड होल्ड आपको करना है इस तरीके से। उसके बाद टॉप राइट साइड कॉर्नर में जो थ्री डॉट्स है उस पर टैप कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप कीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको जो है रिपोर्ट एंड स्पैम का ऑप्शन मिलेगा, ये बॉक्स को चेक कीजिए और ओके पे टैप कीजिए। ये ब्लॉक भी होगा और एक रिपोर्ट भी सबमिट हो जाएगी कि जो कन्वर्जेशन है वो स्पैम है करके, ठीक है। तो अगर इन केस ये ऑप्शन ये फीचर आपके पास शो नहीं कर रहा है तो उस समय आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो है ये गूगल मैसेजिंग ऐप को अपडेट करना है। तो आप इसको जो है इजिली प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हैं। प्ले स्टोर ओपन कीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए मैसेजिंग, और यहाँ पे आपका जो मैसेजिंग ऐप है आप इजीली उसको जो है अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपडेट अवेलेबल है तो अपडेट कीजिए, आपको भी ऑप्शन वो फीचर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली जो है कोई भी अननोन स्पैम पर्सन को जो है आप ब्लॉक कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया हो। अगर आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।